यहाँ पे हमने बैन तो कर दिया चाइनीज ऐप्स को, फिर भी उनको डाउनलोड करते जाएंगे, तो यहाँ पे हम सतर्क होना चाहिए, क्योंकि हम अगर रिप्लेस ही कर देंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा बॉयकॉट चाइनीज मूवमेंट का, बॉयकॉट चाइनीज ऐप्स का, बॉयकॉट चाइनीज गुड्स का। तो दोस्तों रिसेंटली इंडिया ने जब 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था इंडिया से, तब एक टिकटॉक करके भी ऐप थी जिसके बारे में आपको भी अच्छे तरीके से पता होगा, आपने भी बहुत से लोगों ने उसको यूज़ किया होगा, उसको प्रॉपरली यूज़ किया होगा, उसके ऊपर में शॉर्ट वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते थे और इंडिया में उसके लगभग 15-20 करोड़ के आसपास में डाउनलोड्स थे। सो ये जो ऐप्स थी ये बैन तो हो चुकी है इंडिया में, बट अभी क्या हुआ है ना दोस्तों, एक ऐप आपको दिखेंगी जीली करके, अभी रिसेंटली इसके बारे में एक जो सर्वे है वो सामने आया है और इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, और जो कि सिमिलरली दिखती है, कोई भी नहीं बोल सकता कि ये टिकटॉक की राइवलरी है करके, मीन्स टिकटॉक का एक जो कॉम्पिटिटर है वो है करके, कि ये भी ऐप सिमिलरली वर्क करती है जैसे कि टिकटॉक वर्क करती थी शॉर्ट वीडियोज के लिए, सिमिलर इंटरफेस के साथ में, सिमिलर फीचर्स के साथ में। तो दोस्तों इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कैसी ये ऐप है और इस ऐप को क्यों हमें यूज नहीं करना चाहिए, है ना, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, a lot to know, a lot to discuss, but as always, before we begin, make sure to subscribe to Ecomtech Space and hit that bell icon to get all videos updates. So let's get started. तो दोस्तों रिसेंटली अभी क्या हुआ, मैं अपने भैया के घर गया था और वो एक ऐप को यूज कर रहा था, अभी ऐप को यूज करते करते मैंने देखा, मैं बोला मेरे को सिमिलर वो नहीं क्या जैसे टिकटॉक में वीडियोस बनते थे, अलग अलग वीडियोस जो छोटे छोटे जो वीडियोस थे उसके मेरे को क्लिप्स की जो आवाज थी वो सुनाई आई, और जब भी कोई टिकटॉक यूज करता था एक अपने को ऐसा एक आदत सी हो चुकी थी, जब भी कोई टिकटॉक यूज करता था तो शॉर्ट वीडियोस स्वाइप अप होते जाते थे, तो चेंज होते जाते थे, तो हम समझ जाते थे कि ये टिकटॉक यूज कर रहा है करके। तो सिमिलरली क्या हुआ, मैं जब वहाँ पे गया मैंने देखा कि वो एक ऐप यूज कर रहा था, और वो ऐप आप बोलोगे नहीं वो सिमिलर थी जैसे कि टिकटॉक थी, जो उसका इंटरफेस था सिमिलर, उसका जितना भी जो फीचर्स थे वो एग्जैक्टली सेम टू सेम थे जस्ट लाइक टिकटॉक। इसमें आप अभी देख पाओगे ये जो वीडियोज है ना, ये सिमिलर उसका जो भी इंटरफेस था उसमें जो फीचर्स थे टिकटॉक में वो सेम टू सेम एग्जैक्टली मैच करते थे इसके किसके साथ में, जो झीली ऐप है जिसको झीली ऐप बोलते हैं वो झीली ऐप के साथ में। अब ये झीली ऐप कहाँ से आई, कहाँ का इसका ओरिजिन है, और ये कब डेवलप हुई थी और कब इंडिया में आई है, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो मैंने फिर शुरू किया, मैं बोला टिकटॉक तो अभी बैन है इंडिया में, बट ये ऐप कौन सी है जो सिमिलर भी दिखती है, बट सिमिलर देखो दोस्तों कोई भी ऐप को, कोई भी जो उसमें फीचर्स है वो एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अभी इसमें क्या होता है, कोई भी ऐप, कोई भी कंट्री के ऐप को कॉपी एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं कर सकता, बट मैंने फिर इसके रिगार्डिंग थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया, इसके बारे में थोड़ा देखा, मैं बोला इसको देखता हूँ मैं ये और कौन सी कंट्री से ओरिजिनेटेड हुई है इसके बारे में देखता हूँ बोला। तो मैं गया सीधा प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद में, अभी मैं आपको डेस्कटॉप पे बताता हूँ, प्ले स्टोर में जाने के बाद में मुझे, अभी आप यहाँ पे आओगे तो आप अभी कोई भी ऐप का अपने को ओरिजिन अगर चेक करना है तो हम जाते कहाँ पे, हम सीधा जाते हैं प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में वहाँ पे डेवलपर का जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट सेक्शन है, वहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये ऐप कौन से कंट्री में डेवलप हुई है। जब भी हमको पता करना रहता है कि कौन से ऐप, कौन से कंट्री की ये ऐप है, तो मैं सिमिलरली वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे जाने के बाद मेरे को दिखा कि यहाँ पे जो डेवलपर का जो सेक्शन है वहाँ पे तो सिर्फ एक उनका मेल आईडी और प्राइवेसी पॉलिसी का एक सेक्शन दिया हुआ है, बट वहाँ पे एड्रेस इनका नहीं दिया हुआ है। जैसे कि बाकी की कंट्रीज को आप अगर क्रॉस चेक करना चाहोगे, क्रॉस चेक करके देखोगे, तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा कंट्री और वहाँ का एड्रेस आपको वहाँ पे पिन कोड के साथ में शो होता है, बट यहाँ पे वो कुछ भी नहीं था। फिर मैं बोला अभी इसको थोड़ा चेक करता हूँ, और मैं डीप गया, मैंने सीधा जाके गूगल पे सर्च मारा, फिर सर्च मारने के बाद में मेरे को ये सामने निकल के आया, झीली ऐप ओरिजिन इन कंट्री इज चाइना, है ना, द चाइनीज ऐप वॉज लॉन्च ऑफिशियली इन द ईयर 2019 बाय अ चाइनीज बेस्ड टेक ऑर्गेनाइजेशन Xiaomi टू कॉम्पीट हेड टू हेड विथ ByteDance, ये टिकटॉक की पैरेंट कंपनी थी ByteDance, ऐप गेन्ड पॉपुलरिटी इन द ईयर 2019 इन द एंटरटेनमेंट सेक्शन ऑफ द गूगल प्ले स्टोर टू फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमरस फनी वीडियोज। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे
अभी टिकटॉक तो हमने बैन कर दी, बट टिकटॉक की रिवलरी में 2019 में ही जो जीली ऐप है जो कि सिमिलर दिखती है, सिमिलर इंटरफेस है, सभी फीचर सेम दिखते हैं हमको जैसे कि टिकटॉक थी, ये ऐप 2019 में आ चुकी थी, 2019 में आ चुकी थी। अब तक इसके 50 मिलियन के आसपास में डाउनलोड है, लगभग 5 करोड़ के आसपास में इसको लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। अभी हम देख पाएंगे कि जैसे कि टिकटॉक थी उसके हिसाब से ये तो हम रिप्लेस कर देंगे इसको, है ना, इसको ही रिप्लेस कर देंगे टिकटॉक की जगह पे। तो ये आप देख पा रहे हो अभी कौन से नेक्स्ट लेवल पे जो चाइना है वो काम करता है ना, नेक्स्ट लेवल पे जाके अभी ये 2019 में वो उन्होंने डाल दी थी ऐप, है ना, प्ले स्टोर पे, तो वहां से ये कितना डाउनलोड हो चुकी है अब तक। तो इससे क्या सामने निकल के आता है, इससे एक ही अपना जो कंक्लूजन है निकल के आता है जो कि है घुसपैठ का। अभी बहुत सारी ऐसी ऐप होंगी जो बैन कर दी है, बट उसके बाद में भी बहुत सारी ऐसी ऐप है जो धीरे धीरे लोगों का डाउनलोड उसमें बढ़ेगा और हमको पता ही नहीं चलेगा कि वो ऐप कहाँ से कहाँ की ओरिजिनेटेड है। यहाँ पे हमने बैन तो कर दिया चाइनीज ऐप्स को, फिर भी उनको डाउनलोड करते जाएंगे, तो यहाँ पे हम सतर्क होना चाहिए क्योंकि हम अगर रिप्लेस ही कर देंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा बॉयकॉट चाइनीज मूवमेंट का, बॉयकॉट चाइनीज ऐप्स का, बॉयकॉट चाइनीज गुड्स का। तो यहाँ से हमको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, आपको अगर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐप आगे जाके आप डाउनलोड करते हो तो उसका एक ओरिजिन चेक करो, वहाँ पे डेवलपर के ऑप्शन में जाके वहाँ पे चेक करो कि एक ऐप कौन से कंट्री की ओरिजिनेटेड है और कौन सी कंट्री की ऐप है। अगर वो चाइना की है तो बिल्कुल डाउनलोड मत करो, बाकी कंट्रीज की है तो वहाँ पे वो डाउनलोड करो। मैंने इसके ऊपर में डेडिकेटेड वीडियोज भी बनाया था जो कि था 59 चाइनीज ऐप्स बैन को लेकर, जिसमें मैंने टिकटॉक के अल्टरनेटिव्स के बारे में आपको बताया था कि एक चिंगारी करके मैंने बताया था, बट उसमें मैंने मोज जो मोज वीडियो है, जो एक स्नैक वीडियो है और एक रोपोजो करके एक वीडियो आता है, शॉर्ट वीडियो ऐप आती है, उसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था। बट इसके बारे में आप देखो, वो ऐप डाउनलोड करो, बट ये ऐप डाउनलोड मत करो। जीली ऐप इज द चाइनीज ओरिजिनेटेड ऐप, है ना, चाइना से ओरिजिनेट हुई है, ये सिमिलर है टिकटॉक से, इसको हमें बैन करना है, इसको डाउनलोड नहीं करना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ जानकारी इसमें इस वीडियो में मिली होंगी। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आपको लगता है कि आगे जाके भी ऐसे वीडियोस आने चाहिए, मैं डेडिकेटेड एक वीडियो टॉक के अल्टरनेटिव्स के ऊपर मैं निकालूंगा। टिल देन थैंक यू सो मच एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।